हमने नारंग स्टेशन पर उतरना था, लेकिन वहाँ पर गाड़ी सिर्फ 2 मिनट रुकी है, 2 मिनट भी नहीं रुकी, उससे पहले ही चलना स्टार्ट हो गई है। तो हमारे आधी फैमिली के लोग उतर गए हैं, तो हम आ चुके हैं नेक्स्ट एक अगले स्टेशन पर। और किदा फिर यारो तगड़े हो, आ वेखो तैयार श्यार हो गए असी, अज पीला सूट पा लिया, मफलर पा लिया, तो भंगड़ा झंगड़ा पाना है अज जाके। अज असी जा रहे हैं, किथे जा रहे हैं? ये देखो एशलिन भी तैयार हो गई है। नहीं अभी तैयार नहीं, इसने लहंगा। मास्क तो उतार दे, तेरी तो सारी पर्सनैलिटी खत्म हो रही है। और कैमन ने भी पा लिया जनाब शलवार कमीज वेस्टकोट, तो मफरल भी ले लिया नाल। अज असी जा रहे हैं जनाब एक शादी ते, लोरों निकलन लगे ते असी जाना है नारंग मंडी। नारंग मंडी एक ब्याह आ गया है, ते मौसम जड़ा, मौसम च भी बड़ी चेंजिंग आ रही है। मौसम हल्का हल्का सी पहले चेंज हो रहा, हुण 2 दिन हो गए एकदम तो चेंज हो गया, ठंड बड़ी शदीद है। ते हुण बस निकलन लगे घरों, ट्रेन च बैठना है, ट्रेन ते बैठ के जावांगे असी नारंग मंडी, ते ब्याह इंजॉय करांगे, ते नाले तुहानू विखावांगे जांदे हुए सारा नज़ारा, रस्ते च किहड़े किहड़े पुल आ रहे ने, दरिया भी आंदा है ते दरख्त भी आंदे ने, होर बड़ियां बड़ियां शैवां आंदियां, सारा कुछ तुहानू विखावांगे। व्लॉग दे नाल जुड़े रहो। ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਾਡੀ ਪੈਕਿੰਗ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਲਏ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਪਾਉਣੇ ਨੇ, ਮਹਿੰਦੀ 'ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਉਣੇ, ਬਰਾਤ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਪਾਉਣੇ, ਅਤੇ ਵਲੀਮੇ 'ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਉਣੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਸਾਡਾ ਛਾਪਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਛਾਪਰ ਹੈ, ਬੈਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਛਾਪਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ ਭਾਈ ਜੀ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਹੁਣ ਬਹਿ ਗਏ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿਤੇ ਖੜੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਟ੍ਰੇਨ 'ਤੇ। ਪਹਿਲੇ ਹਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, तो अभी हमारे बाजार आ गए हैं, बस का इंतजार कर रहे हैं, इधर उधर की बसें आ रही, स्टेशन की बस नहीं है आज, अभी बस आएगी, मेट्रो में बैठ के जाएंगे अभी स्टेशन पे। मेट्रो बस 19 नंबर का वेट कर रहे हैं, 19 नंबर बस आएगी अभी। ये ना होगा हमारी ट्रेन नहीं, ट्रेन का टाइम 7 बजे का है। 7 बजे कहाँ पे है? छुट्टी पे ट्रेन नहीं, अभी लेट है, अभी आ जाएगी। तो थोड़ी ही देर इंतज़ार करने के बाद स्पीडो बस आ चुकी और हम बैठ गए स्पीडो बस में, और उसका ऑटो कंप्यूटर बोलना स्टार्ट हो गया कि नेक्स्ट स्टॉप कौन सा है। भाई हमारा स्टॉप तो स्टेशन का था, तो हमने स्टेशन तक ही बैठना था। लो जी बाजी रेलवे स्टेशन पे आ गए हैं असी, बस स्टैंड पे उन्हें मेट्रो तो उतरे हैं। देखो है मेट्रो बस है, साड़ी दीदी भी आ गई है और शाजिया भी आ रही पीछे। हाँ आ जाओ आ जाओ, स्टेशन पे जाते हैं। अभी दिल खराब हो रहा था, तो स्टेशन पे हम लोग पहुंच गए हैं। उसके बाद बाकी भी हमारी फैमिली के लोग तमाम यहां पर हमें मिल चुके थे, जो अलहदा दूसरे रिक्शे पर यहां तक आए थे। स्टेशन पे आ गए, टिकट शिकट ले गए थे, बस बैठने लगे हैं। ट्रेन रश तो बहुत ज़्यादा है आज इतने, और लाहौर का रेलवे स्टेशन बड़ा खूबसूरत, बड़ा अच्छा है। सनिया किधर? सनिया चलो ले लेते हैं आगे, चलो किधर खड़े हैं, बहुत रश है आज। ओए बच के चोट ना लगवा लेना। ये लाहौर का रेलवे स्टेशन है, बहुत खूबसूरत बना हुआ है। अभी मैं ब्रिज पे खड़ा हूँ, दूसरी साइड पे जाना है, ट्रेन वहाँ पे आएगी, और एक ट्रेन ये खड़ी है नीचे, इस साइड पे भी पटरी है, यहाँ पे भी ट्रेन आएगी। कैम कैसा लगा तुम्हें स्टेशन? सही लगा? ये देखो अभी ये भी एक ट्रेन खड़ी हुई है यहाँ पे, और इतना ज़्यादा रश है, इतना ज़्यादा रश है। हालांकि कोई त्यौहार वगैरह भी नहीं है, कोई इवेंट भी नहीं है, और फिर भी यहाँ पे इतना ज़्यादा पब्लिक का रश है, बहुत ज़्यादा रश है। हम भी इंतज़ार कर रहे हैं अपनी गाड़ी का, जैसे अभी आती है तो फिर इस गाड़ी में बैठते हैं। ये बच्चे लोग भी, सब लोग साथ ही आए हैं। दईम सारा मैडम भी आ गई है, सब लोग मिलकर जा रहे हैं आज। कहाँ पे जा रहे हैं? नारंग मंडी। हाँ सनिया भाभी, ये सनिया भाभी। तो सब लोग जा रहे हैं 2-3 दिन के लिए। ये देखें कितना सारा सामान पड़ा हुआ है यहाँ पर,
किसकी शादी पे जा रहे हो शाजिया? शायद भाई की। कोई बात नहीं, मेरा भाई है। शायद किसकी शादी पे जा रहे हो? का बेटा है, कजन है, सब दो बहने एक भाई है। तो जितने लोग हम इधर इकट्ठे हुए हैं, मेरा ख्याल पूरा एक डब्बा ही ले लें ट्रेन। हाँ, जब तक गाड़ी आती है तब तक हम पी लेते हैं कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह, रिफ्रेशमेंट हो जाएगी थोड़ी सी। और बच्चे खा रहे हैं लेज वगैरह, ऐसे ने लेज ले लिए। मैं ला देता हूँ, अभी ला देता हूँ। याद नहीं जनाब, नहीं नहीं वो उनको दो, सबको दो। और जी एक ट्रेन आ गई है, बड़ी खुशी हुई थी कि हमारी ट्रेन आई है, लेकिन ये ट्रेन भी मियां वाली की है, हमने तो नारंग जाना है। सब लोग यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान की रेलवे। तो फाइनली गाइज यहाँ पर अभी हम ट्रेन के अंदर आ चुके हैं। ट्रेन में इतना ज़्यादा रश है, इतना ज़्यादा रश है कि भाई आपको क्या ही बताएं। यहाँ पर आप देखें पूरा डिब्बा फुल है और लोग किस तरह पागलों की तरह खड़े हैं। तो हम भी फंस फंसा गए हैं इसमें, क्योंकि अगर ये ट्रेन हम मिस कर देते तो फिर हम शादी पर नहीं पहुँच सकते थे, और इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, और ये लास्ट ट्रेन थी। रश बहुत ज़्यादा है ट्रेन से ना। भैया किधर है कैमन? किधर है कैमन? आगे, आगे, आगे। इतना ज़्यादा रश। तो ट्रेन में हमें सीट तो बिल्कुल नहीं मिली, किसी को जहाँ पर जगह मिली बैठ गए, बच्चे सब नीचे बैठ गए और सब बच्चों को एक जगह पर इकट्ठा कर दिया। शाजिया पास ही खड़ी थी। तो जी यार देखो, इकोनॉमी क्लास ट्रेन का हाल बड़ी मुश्किल, लोगों को कुछ लोगों को सीट मिली है, बाकी सब लोग खड़े ने, कुछ बैठे थले। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰੇਲਵੇ, ਉੱਪਰ ਸਮਾਨ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਆਹ ਪੱਖੇ ਛੱਖੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਦੇਖੋ ਰਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਹੈ, ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਫੁੱਲ ਹੈ। ਤੋ ਗਾਈਜ਼ ਯਹਾਂ ਪਰ ਆਜ ਤੋਂ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕਾਂਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਮਨੇ ਨਾਰੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਰ ਉਤਰਨਾ ਥਾ, ਲੇਕਿਨ ਵਹਾਂ ਪਰ ਗਾੜੀ ਸਿਰਫ ਦੋ ਮਿੰਟ ਰੁਕੀ ਹੈ, ਦੋ ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ, ਉਸਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੋ ਹਮਾਰੇ ਆਧੀ ਫੈਮਲੀ ਕੇ ਲੋਕ ਉਤਰ ਗਏ ਹੈ, ਤੋ ਹਮ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ ਅਗਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਰ। और इस टाइम रात के 11 बजे हुए हैं, सब फैमिली के लोग यहाँ पर बैठे हैं। ये देखें इतनी ज़्यादा धुंध और स्मोग है, फोन किया है वहाँ पर नारंग कोई रक्षा वगैरह लेकर आएगा, तो फिर हम जाएंगे, देखें आज क्या बनता है, या तो आज कोई फौरन सीन ही हो जाएगा हमारे साथ। 12 बज गए, इधर कोई बंदा ही नहीं है, कोई चीज़ ही नहीं है, अकेले ही बैठे हुए हैं हम मुसाफर करने में। ये देखिए इस साइड पे भी कोई चीज़ नहीं है, जैसा मूवियों में देखते थे वो सीन हो गया है। कोई रोड नहीं है, कोई बंदा नहीं है, स्टेशन है। माता सुजा यहाँ पर अभी हम फंसे हुए हैं और बहुत ज़्यादा सब लोग परेशान घबराए हुए हैं, बैठे हुए हैं यहाँ पर। हम यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं, हमें रास्ता नहीं मिल रहा किस साइड पे जाना है, और इतनी ज़्यादा धुंध है। गाड़ी वाला आ गया है हमें लेने के लिए, लेकिन हम कभी इस रास्ते से जा रहे हैं, कभी इस रास्ते से जा रहे हैं, सड़क ही नहीं मिल रही भाई, सड़क किस साइड पे है। तो अभी वापस आ गए हम स्टेशन पर। ये देखें ये स्टेशन है, तो अंदर जा के देखते हैं कोई बंदा मिल जाए, उसको कहते हैं रास्ता बता दें। हमने पीछे कॉल की थी, वहाँ से गाड़ी तो आ गई है, लेकिन गाड़ी खड़ी है मेन रोड पे, सड़क पे। हमें ये नहीं समझ आ रही कि सड़क किस साइड पे है, बार बार हम यहाँ पर जा रहे हैं, यहाँ पर नाले हैं, बन्ने हैं और फसलें हैं, किसी साइड से कुछ पता नहीं चल रहा रास्ता किस साइड पे है। एक साइड पे गए, वहाँ देखा तो आगे किसी का घर था, पता नहीं गेट था, और अंदर कोई बंदा नहीं था, ना कोई जानवर था, सिर्फ गेट लगा हुआ था। उसके बाद हमने लेफ्ट साइड पे मुड़े हैं, तो वहाँ पर आगे जाके देखे तो रास्ता ही बंद है, आगे दीवार थी, तो बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान थे। तीन दफ़ा हमने चेक किया, रास्ता नहीं। तो फाइनली गाइस अभी गाड़ी वाला आ गया है, तो
तो खुदा का शुक्र करके हम गाड़ी में बैठ गए हैं, कैरी डब्बा आया है और जितने हम पर्सन है बड़ी मुश्किल से पूरे आए हैं, साथ में हमारे पास सामान भी है, बड़ी मुश्किल से एडजस्ट होकर बैठे हैं। तो अभी जा रहे हैं हम दोबारा नारंग, वहाँ पर शादी अटेंड करनी है आज, है क्या आज मेहंदी, मेहंदी का प्रोग्राम है आज। और ये देखे कितना तंग होकर बैठे सब लोग, ये वाली मेहंदी हमें याद ही रहेगी। और आज इतनी ज्यादा धुंध है, इतनी ज्यादा धुंध है कि आपको क्या ही बताएं, सर्दी को तो छोड़ो नजर ही कुछ नहीं, हमें रास्ता ही नहीं मिल रहा था, बड़ी मुश्किल से रास्ता मिल रहा है। तो अभी थोड़ी देर फिर इंतजार करते हैं, पहुंच के फिर आपको मिलते हैं। तो फाइनली अभी हम आ चुके हैं जहाँ पर शादी है उस घर में, तो कुछ सुकून मिला है, बहुत ज्यादा खौफनाक एरिया से निकल कर आया है, इतना ज्यादा खौफनाक मंजर था कि भाई आपको क्या ही बताएं, ना कोई बंदा ना कोई बंदे की जात, सिर्फ एक चमगादड़ ही नजर आ रही थी। अभी यहाँ पर मेहंदी की तैयारी चल रही है, रात का एक बज गया और सबसे पहले चावल आके मेहंदी के मैं ये चावल खाने लगा हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर जो रस्म वगैरह वो करते हैं दादी की बना देते हैं, ये हमारी दादी और सारा ने शोर डाला हुआ है, शाजिया की दादी हमारी दादी है, और एशली ने अपना लहंगा शंगा पहन लिया है, ये तैयार हो गई है मेहंदी का जो काम शुरू करना है। अभी शाजिया हो रही है रेडी, मेकअप कर ली है, मेकअप कर रही है, तो रस्म सब ने करनी है स्टार्ट, हमारी वजह से सब लोग इंतजार कर रहे थे। बाकी टाइम कितना हो गया है, टाइम तकरीबन 2:30 बज गए हैं। अब जो शादी की रस्म है, मेहंदी की रस्म है ना, वो हम आपको नहीं दिखाएंगे, क्योंकि फैमिली में कुछ लोगों को पसंद नहीं है कि वो वीडियो में आए, इसलिए वीडियो हम नहीं दिखाएंगे, बाकी लोगों की नहीं बनाएंगे। ठीक है शादी क्या, हाँ हम अपनी बनाएंगे, अपनी बनाएंगे बस, रक्साना की बना दें तो खैर है, बन जाएगी कोई बात। रक्साना के सर में खारिश हो रही थी तो रक्साना अभी जुमैन निकाल रही है, एक मिनट सामने देखना जरा भाई, इधर इधर ऐस कैमरे से देखना भाई, एक तस्वीर ले आड़ा मार जरा बंदा तो रोटी पानी ये हमारा भाई है टिकटॉकर, इसके बाद तमाम लोगों ने अपने अपने बिस्तरे को पकड़ा और सोने की तैयारियों में मसरूफ हो गए। सोना क्या था भाई, सुबह उठ के फिर बारात की तैयारियां करनी थी, तो थोड़ी सी देर के लिए सब लोगों ने रेस्ट की, उसके बाद सुबह फिर नाश्ते का और बारात की जो तैयारियां थी वो शुरू होगी। तो यहाँ पर तमाम रस्मात कंप्लीट हो चुकी थी, दूल्हे को मेहंदी भी लगा दी थी और जो वेले होती हैं, वेले सलामी सब कंप्लीट हो चुका था। इसके बाद सब लोगों ने खूब डांस किया, डांस करने के बाद सब लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे। उसके बाद टाइम की अगर बात की जाए तो तकरीबन टाइम 5 बज चुके थे सुबह के।